दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में मिठाइयों की दुकानों पर रंग बिरंगी मन लुभावन मिठाइयां सजाई जाती हैं। लेकिन क्या यह मिठाई हमारे शरीर के लिए सही मायने में 100% सही है? इसका किसी को अंदेशा नहीं है। बस रंग बिरंगी मिठाइयों को देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन यह कोई नहीं सोचता ये दूषित मिठाइयां हमारे शरीर को केवल नुकसान ही करती हैं, जिसके खाते ही हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि दीपावली के समय मिठाइयों की मांग ज्यादा होती, जिसकी पूर्ति हलवाई नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी मिठाइयां बनती हैं वह सब दूध से तैयार होती हैं और दूध की पूर्ति न होने के कारण नकली दूध का सहारा लिया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए कोरा जहर है। जब महम शहर में खुले में व गंदगी के बीच में बन रही मिठाइयों को अपने कैमरे में कैद किया तो उसका असर देखने लायक था। अगले ही दिन फूड सप्लाई व जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महम शहर की कई मिठाइयों की दुकानों पर जाकर बन रही मिठाइयों पर छापेमारी की और तैयार की जा रही मिठाइयों के सैंपल भरे तो मिठाई बना रहे दुकानदारों में भगदड़ मच। छापेमारी में आए डॉक्टर के एस मलिक डिप्टी सिविल सर्जन ने बताया कि इन मिठाइयों को टेस्ट के लिए लैब भेजा जाएगा, जिसमें मिलावट पाई जाती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही खुले में रखी मिठाइयों को ढकवाया व आगे से खुले में मिठाइयां न रखने के भी कड़े आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग व फूड सप्लाई विभाग ने महम के कटली बाजार, मेन बाजार, पुराना बस स्टैंड इत्यादि जगहों पर छापेमारी की। रोहतक, मेरे पास DHO का चार्ज है। आजकल जैसे कि त्योहारों का सीजन है, खासकर मेन त्यौहार है हमारा दिवाली, उसके चलते जो है मिठाइयाँ बहुत अत्यधिक डिमांड बढ़ जाती है और इसमें इसलिए हम भी सतर्क हो जाते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य का पर खिलवाड़ ना हो, इसलिए हम जगह जगह सैम्पलिंग कर रहे हैं। खासकर दूध और दूध से बनी चीज़ों का ज़्यादा शिकायत आती है, इसलिए हम पनीर, खोया, मावा और रसगुल्ले और ये चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं और हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं और हम सतर्कता हमने अपनी तरफ से पूरी चौकसी रखी हुई है। कोई बाहर से कोई और स्टेट से माल आए और वो दिखे और हम उसको पकड़ के उसकी सैम्पलिंग करें। आज जैसे कि हम महम में आए हुए हैं, यहाँ जगह जगह हमने बीकानेर के सैंपल लिए और दूसरी दुकान पर इसका सैंपल ले रहे हैं और उनको सैम्पलिंग करने के बाद आज ही इनको हम चंडीगढ़ भेजें टेस्टिंग के लिए और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की। अभी तक कैसे नजर आ जाती है? अभी तक जैसे है, कुछ सैंपल हमने पिछले महीने भी जैसे लिए थे आप भी लिए तो सैंपल फेल भी आ रहे हैं। मावे के सैंपल भी फेल आए हैं, पनीर के भी आए हैं और कुछ जैसे हल्दी मिर्च लिए थे उसके भी आए हैं, तो उसी हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या है? नकली क्या होता है? नकली सारा है, गलत माल बिक्री हो गया, खराब सस्ता सौदा, खराब सौदा बिक्री हो गया, लोगों ने खराब हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आपसे किसी शिकायत की इस बारे में? इसकी शिकायत हम ऊपर करेंगे और इसको देख रेख करवाया जाए दिवाली पर लोगों के। सबसे ज्यादा समस्या क्या है? मिठाइयों में तो खुली मिठाई रखी है वो समस्या है या मिठाइयों में मिलावट की समस्या है? मिलावट की समस्या मिठाइयों में, खुली बिक्री हो रही है उनके ऊपर रोक करेंगे,